वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है इतनी सुंदर हो कितनी शीतल प्यारी प्यारी चोट लगती है तो माँ को याद करते हैं और बाप को कब याद करते हैं? बाप को तब याद करते हैं जब बहुत बड़ी बड़ी दादी है तो कहते हैं अरे बाप रे बाप बच गए। माँ तो हमारे छोटी छोटी चीजों में आ जाती है। बाप क्या है? बाप अपना प्यार दिखाता नहीं है, बाप छिपा के रखता है, बच्चों को डांटेगा लेकिन जब डांट के अंदर जाएगा तो सोचेगा अरे यार मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, मुझे डांटना नहीं चाहिए। और ये सही बात है, बाप बयान नहीं कर पाता और माँ बयान कर देती, इसलिए पापा के लिए बोलना है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? किसी से किसी बेटी से पूछिएगा कि तुम्हारी जीवन में सबसे ज्यादा तुमको प्यार कौन करता है? कभी किसी बेटी से पूछेगा कि बेटा ये बताओ तुमको, जितनी छोटी बच्ची अगर रहे ना उसे पूछेगा तुमसे प्यार कौन करता है तो बोलेगी पापा। तो पापा क्यों? क्योंकि पापा जब भी ड्यूटी से आते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। माँ हर वक्त हमारे साथ रहती है, पापा बहुत कम समय रहते हैं, बच्चों के लिए हर चीज करते हैं, धूप में खड़े रहेंगे, तपेंगे,
फिर भी बाप यही सोचता है कि अपने बच्चों को किस तरीके से खुश रखा जाए। और आजकल की जनरेशन, माँ बाप एक तरफ है, बच्चे एक तरफ है। शादी होने के बाद माँ बाप अलग, बच्चा अपना बीवी लेके अलग। मैं उन परिवारों की हमेशा उल्लंघन करती हूँ जो परिवार अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। मैं आज भी आजीवन में कहीं रहूं, मैं अपने माँ बाप नहीं छोड़ सकती। और जो इंसान मेरे माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो इंसान मेरे जीवन में किसी काम का नहीं। मेरे माँ बाप ने वो दिन देखा है, शायद वो चीज मैं भी नहीं देख पाऊं। इसलिए भगवान को समर्पण कर दीजिए, माँ बाप को समर्पण कर दीजिए। और दूसरा दान जानते भी नहीं भैया क्या होता है? एक बेटी का बाप बनना सबसे बड़े पुण्य का बात होता है। क्योंकि बेटे बेटे ठीक है, बेटा है, बेटा भी है, लेकिन जो बेटी का बाप है कभी पूछिएगा। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और ये कन्यादान बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक बेटी हूँ और मैं अकेले सबसे लड़ती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ अकेले रहती, मेरे माँ बाप है, मेरे ये भी मेरा बाप ही है, ये जहाँ रहेगा मैं सुरक्षित, ये भी मेरा बाप ही है, वो भी मेरे बाप ही है, वो मेरी माँ बैठी है। मेरे आजीवन बहुत सारे मेरे माँ बाप, जो मुझे प्यार से बेटा कहता है वो सब मेरे माँ बाप है। जो मुझे दीदी बोलते हो मेरे भाई है, जो मुझे बहन बोलते हो मेरी बहन है। किसी से मेरा खून का रिश्ता ना हो, दिल के रिश्ते मैंने बहुत कमाए हैं। जितने मेरे साथ रहते हैं सब मेरे से दिल से जुड़े हैं। ये मेरा भाई है, ये भी मेरे से दिल से जुड़ा है ना, ये दिल की बात है। इसलिए कहते हैं कि बाप से बड़ा कोई नहीं। माँ बाप के बाद, माँ भी बाप के बाद, पहले पापा। मेरे से मुझे तो बहुत प्यार है। पापा आपके लिए भी, ये जो हमारा पूरा परिवार है, इस पूरे परिवार के लिए गीत गाऊंगा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा माँ है, किसकी किसकी माँ है? सबके पास माँ है ना? एक बार अपने माँ के लिए बोल दो, एक बार प्रेम से बोल दो अपने माँ बाप की, अपने अपने माता पिता की। अब ये बात उससे पूछना जिसकी माँ नहीं होती। कहते हैं ना, माँ बच्चों जिसकी माँ है ना, आजीवन उसको डरने की जरूरत नहीं हो। मेरी तो इतने में भाग्यशाली हो कि मेरे साथ ये पूरा मेरा परिवार खड़ा है।
सबकी माँ भगवान करे जीवन में किसी की किसी से माँ ना छूटे। आज भी इतनी रात में सब कार्यक्रम देख रहे हो ना, घर जाओगे तो मैया यही कहेगी सुबह ए बाबू कुछ खा ले, कि किसकी किसी मम्मी बोलती है कि बाबू कुछ खा ले, किसकी किसी बोलती है ना ये बाबू उठा कुछ खा लो, मेरी भी माँ बोलती है। हम तो गोरखपुर से बहुत दूर रहते हैं, तो पटना रहते हैं, मम्मी अभी आई हुई है, हम यहाँ से 2 बजे भी जाना तो मेरी माँ खाना बना के जरूर खिलाएगी कि नहीं मेरे बच्चे भूखे, ये बात कभी उनसे पूछिएगा जिनकी माँ असमय देहांत हो जाता है। भगवान ना करे कि कभी किसी की माँ किसी से छूटे। विनय भैया जीवन का ये इतना बड़ा अपशगुन है ना, जीवन भर उसको कोसा जाता है और उसके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं है। यहाँ से जितने आज आपके साथ है ना, आपको देख कर लोग आपके साथ हैं, आज आपके साथ समस्या आए जाए आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं होगा, आपका अपना भाई नहीं होगा, इस संसार में अनुपमा कोई किसी का साथ देने नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बाप सोचता है कि बेटा साथ देगा, माँ सोचती कि बेटी साथ देगी, कोई किसी का साथ नहीं देता, जिसने पैदा किया उसने तो साथ ही छोड़ दिया। कहते हैं कि बीबी बीबी साथ देती है मकान तक, यार दोस्त साथ देते हैं शमशान तक, प्यारी बिटिया साथ देती है कन्यादान तक, और प्यारा बेटा साथ देता है सिर्फ अग्निदान तक, अग्निदान तक। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ, ओ शाह मेरे शाह, ओ शाह मेरे शाह, ओ शाह मेरे शाह, ओ शाह मेरे शाह। अपने परिवार को छोड़कर यार आप सभी के बीच बैठी है, इतनी रात तक बैठी है, और एक माँ का प्यार है वो शायद रो भी नहीं है, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं से ये स्माइली के साथ तो हंसते ही नहीं है ना, कि वो होते हैं किस्मत वाले। अब मेरे से बड़ी किस्मत किसी की नहीं हो सकती, मैंने आज तक मतलब का रिश्ता नहीं निभाया किसी से, और मैं हमेशा चली गई हूँ, मैंने मैंने मतलब का रिश्ता नहीं निभाया मेरे भैया, और आज तक मैं हमेशा चली गई हूँ, मैंने जिसके प्रति भी अच्छा सोचा है उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन हाँ ये माँ है ना जो कभी मेरा बुरा नहीं कर सकती, इसीलिए वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है। मैं काफी देर से गा रही हूँ, ओ माँ एक साथ बोलेगी, जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए कई बार प्यार प्यार, जो जो अपनी माँ से प्यार करता है जरा दोनों हाथ उठाइए कई बार, देखते हैं कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है, उठाइए दोनों हाथ, ओ माँ बाप। अब अगर मेरे भाई, अगर एक बड़ा भाई हो जैसे मेरा भाई है अभिजीत, इधर आओ इधर आओ, जैसे ये एक मेरा भाई है और अक्सर हर कार्यक्रम में पाया जाता है, अगर मुझे इसके लिए कुछ गाने लगे आज जीवन, तो इसने जो मेरे ऊपर ऊपर कार्य किया है ना माँ, जीवन में कोई नहीं कर सकता, अकेले मेरे साथ खड़ा रहता है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, देह उसका इतना नहीं है लेकिन आजीवन हाथ पकड़े खड़ा रहता है। इसके लिए एक ही चीज कहेंगे कि जब हम विदा होके जाएंगे ना तो एक ही चीज कहेंगे, भैया मेरे
इतनी सारी मुझे बहने दे दी है, इतने सारे भाई दे दिया, इतने सारे दोस्त दे दिया, इतने सारे चाचा जी लोग, इतने सारे पिता दे दिए, इतनी सारी माएं दे दी है मुझे, मुझे आजीवन कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक लाइन उस बहन के लिए भी होना चाहिए जिनके साथ हम अपने हसीन पल बिताते हैं। मेरे पास भी एक ऐसी बहन है जो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देती है, बड़ी प्यारी प्यारी बहन है। कि फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। सोच लेती कि भाई कुछ दिन बाद तो उसकी शादी हो जाएगी, घर चली जाएगी, बड़ी दुख है। लेकिन हम कहते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं कि हम लड़की हैं, लेकिन हम लड़का होने का कोई कसर नहीं छोड़ते। हम वो एक बेटे की तरह हम हमेशा खड़े रहते हैं। ये सब जितने हमारे दोस्त आज सही में कार्यक्रम में, मुझे इसलिए भी खुशी हुई कि सारे इतने प्यार से बैठ कर मुझे सुन रहे थे, और ये प्यार आजीवन मुझे याद रहेगा कि डाल्टनगंज में मुझे इतना सारा प्यार मिला था, और हमारे सारे जितने गार्जियन है बैठ के मुझे सुन रहे थे, है ना। एक बार प्रेम से बोल दीजिए अपने माता पिता की जय। और एक बार लास्ट बार बस एक बार दोनों हाथ उठा के ताली मेरे साथ बजा दीजिए। आप सभी अगर जरा सा भी पसंद आया हो मेरा गीत, एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए, एक बार दोनों हाथ उठाइएगा अगर पसंद आया हो तो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अगर आया हो एक बार दोनों हाथ उठाइएगा और ताली बजा दीजिए। ओ